Morning students, I am here with the second part of the chapter reported speech and I hope you enjoyed the video. आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से उस वीडियो को देखें, समझने का प्रयास करें और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, आपको मैं हर पल जो है उसका जवाब दूंगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, कल हमने एंड किया था वीडियो को आपका टेंस चेंज रूल से, आज मैं आपको बताऊंगा प्रोनाउन चेंज रूल। प्रोनाउन चेंज रूल में आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है, प्रोनाउन चेंज रूल में आप यहाँ देखिए कि डायरेक्ट स्पीच में और ये जितना भी प्रोनाउन है आपको जो दिख रहा है, जितना भी प्रोनाउन है वो आपके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले प्रोनाउन है जो चेंज होंगे, ठीक है। बाहर वाले कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन चेंज नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जितना भी मैंने आपको यहाँ दिखाया है ये सारा जो है ये रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन है जो चेंज होगा। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंसेस रहते हैं उसी के प्रोनाउन को हमको चेंज करना है इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, ठीक है। अगर आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई होता है तो वो ही या सी होगा एज पर जेंडर। अगर स्पीकर फीमेल है तो सी होगा, अगर मेल है तो ही होगा। मी का जो है वो हिम या हर होगा, वी का दे होगा, अस का देम होगा, माई का हीज या हर एज पर जेंडर, माइन का जो है यहाँ पर होगा आपका हीज या हर, आवर का देयर, यू हमको पता है कि यू जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों के फॉर्म में यूज किया जाता है, तो यू अगर सिंगुलर है तो यह ही सी या आई होगा, यू अगर प्लूरल है तो यह दे या वी होगा इन केस ऑफ प्लूरल। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से प्रोनाउन चेंज होता है। अब हम सिंपल सेंटेंस में एक एग्जाम्पल ले आपका आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे किस तरह से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। हम सारे रूल्स को फिर से आपको रिमाइंड कराएंगे। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच मैंने कल ही बताया था। इसको पहचानने के लिए आपको क्या करना है कि डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। ये चैप्टर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल देखिए, तो हमने लिखा ही सेड टू मी आई राइट अ पोएम। अब आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि सबसे पहले आप देखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो है, ये रिपोर्टिंग वर्ब मैंने आपको कल बताया था आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है पास्ट टेंस, मैंने आपको बताया था। ये जो है सेड जो है वो से का पास्ट टेंस होता है, सेड किसका पास्ट टेंस होता है, से का। और कल मैंने आपको नोट में लिखवाया था कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो तभी चेंज होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में होगा, ठीक है। तो यहाँ सेड जो है वो पास्ट टेंस में है, इसका मतलब है कि हमको इसका रिपोर्टेड स्पीच का जो है टेंस को चेंज करना है, समझ रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है। तो ये टेंस आप बता दीजिए कौन से टेंस में है, मैंने आपको कल भी बताया था अगर आपको टेंसेस में प्रॉब्लम है तो मैं कल आपको जो है या फिर अगले वीडियो में या फिर जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा टेंस का उसमें आपको मैं डिटेल उसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल आपको कुछ अगर नॉलेज है टेंसेस के बारे में तो आप ये बता सकते हैं कि कौन सा टेंस में है, ठीक है। तो ये आप जो है सोचिए, तब तक मैं इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाली चीज़ों को आपको चेंज करने का बताता हूँ। ये देखिए ही सेड टू मी, मैंने आपको बताया कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो भी प्रोनाउंस हैं वो चेंज नहीं होंगे, इस बात को आप ध्यान रखिए। प्रोनाउन किसका चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताया कि सेड टू जो है रूल वन में, जनरल रूल्स वन में आप मैंने आपको बताया था कि सेड टू को आप चेंज कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो मैं इसका इनडायरेक्ट बना देता हूँ। इनडायरेक्ट क्या होगा,
सेड टू को चेंज करना है टोल्ड में, याद रखें सेड टू टोल्ड में चेंज होगा, केवल सेड रहने से वो टोल्ड में चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। ही टोल्ड मी, मैंने आपको बताया ही और मी ये चेंज नहीं होगा, इसको एज इट इज आपको उतारना है। सेड टू का मैंने टोल्ड कर दिया। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद आपको जनरल रूल्स टू में आप देखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद हम लोग यहाँ पर दैट कनेक्टर यूज करते हैं, ठीक है, दैट कनेक्टर हमने यूज कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेंस जो है हम लोग को चेंज करना है। आई राइट ए पोएम, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे किस टेंस में, आप इसको कमेंट कर सकते हैं। तो ये जो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और मैंने आपको टेंस चेंज रूल में बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होता है, ठीक है। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं प्रोनाउन को चेंज करेंगे। टेंस चेंज करने से पहले आप प्रोनाउन को चेंज करिए। ये प्रोनाउन जो है मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप उस टेबल में देखिए, इसके पहले जो मैंने आपको लिखा था, तो आई जो है किस में चेंज होता है, ही या सी में। तो यहाँ पर ही होगा या सी होगा, यहाँ पहले से ही दिया हुआ है, यानी कि ये मेल है, मस्कुलिन जेंडर है, यानी कि आई जो है किस में चेंज होगा, ही में चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका मैंने बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होगा, तो आप सिंपल पास्ट टेंस का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। सिंपल पास्ट टेंस का आपका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, राइट का वर्ब टू होता है रोट, ही रोट अ पोएम, ठीक है। तो ये आपका बन गया, तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच जो है बन गया है, ठीक है। आई होप कि आप लोग इसको समझ रहे हैं। मैं और एक एग्जांपल से आपको बता दे देता हूँ। ये मान लीजिए ये डायरेक्ट है, ही सेड टू मी यू आर लेट, ही सेड टू मी You are late. उसने मुझसे कहा कि तुम लेट हो, उसने मुझसे कहा कि तुम लेट हो। ये तुम किसके लिए यूज़ किया गया, मैंने आपको सेकंड में बताया, ये तुम जो है यहाँ पर ये सिंगुलर है, तुम लेट हो, एक आदमी से बात हो रहा है, तो ये यू जो है ये किसके अनुसार चेंज होगा, मैं आपको बताऊँगा। एक ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर में एक रूल आपको डिस्कस किया गया है एस ओ एन का, ठीक है। एस ओ एन का मतलब क्या होता है, एस ओ एन 1 2 3, इसे मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ, एस ओ एन 1 2 3, ठीक है। इस रूल्स में क्या है कि जो है सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, यानी एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज, वन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन चेंज होता है, चेंज नहीं होता, नो चेंज। तो यहाँ ये सेकंड पर्सन है, तो ये ऑब्जेक्ट का अनुसार चेंज होगा, यानी मी का जो आई होगा, तो इसको हम इनडायरेक्ट बना देते हैं। ही टोल्ड मी दैट, अब ये मी का आई, सब्जेक्टिव प्रोनाउन लेना है। अब ये कौन सा टेंस में है, ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। तो इसको सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग चेंज कर देते हैं, सीधा आर का वर्ब आई, आई आर का सीधा वॉस कर दीजिए और लेट का लेट कर दीजिए, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, और भी मैं आपको इसके बाद का सेंटेंस बताऊंगा, तब तक आप इसको देखिए, ध्यान से देखिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो मुझे इनकरेजमेंट मिलेगी ताकि मैं और अधिक से अधिक वीडियो बनाऊँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, उनको आप शेयर कीजिए। थैंक यू।